कहते हैं लालच सबसे बुरी बला है। पैसा ना हो तो हालातों से मजबूर हो जाता है इंसान, और पैसा हो तो अपनों का ही दुश्मन बन जाता है इंसान। इन्हीं पैसों के लालच में चूर उत्तर प्रदेश के हरदोई में 3 दरिंदों ने अपने ही दोस्त की बेरहमी से हत्या कर दी। देखिए दोस्ती के रिश्तों को तार तार कर देने वाले दोस्तों की दरिंदगी की ये वारदात। एक व्यक्ति घर से कोसों दूर मेहनत मजदूरी कर पैसा जोड़कर अपने घर आता है। इतने दिनों बाद अपने शहर वापस लौटने की खुशी में वो अपने दोस्तों से मिलता है, लेकिन जिन दोस्तों को वो अपना समझकर उनके साथ हंसी मजाक कर रहा था, उसे ये नहीं पता था कि उसे अपना कहने वाले उसके दोस्त उसके चेहरे से हंसी के साथ साथ उसकी जान भी ले लेंगे। हरदोई पुलिस ने एक ऐसे हत्या के मामले का खुलासा किया है जिसे सुनकर लोगों के होश उड़ गए। चल्ला दोस्तों ने अपने दोस्त संजय को शराब पिलाकर रुपए लूटने के बाद उसकी ईंटों पत्थरों से सर को कुचल कुचल कर हत्या कर दी और शव को गांव के बाहर बाग में फेंक कर फरार हो गए। घटना का पता चलने पर मृतक के चचेरे भाई अनिल कुमार ने कोतवाली शहर में अज्ञात हमलावरों के खिलाफ हत्या का मामला पंजीकृत कराया, जिसके बाद हरदोई पुलिस ने घटना के 24 घंटे के अंदर खुलासा करते हुए आरोपी हत्यारे दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया। कोतवाली शहर के एक पहलूमल में यूकेलिप्टस का बाग था, एक युवक का शव पाया गया और उसका सर पे काफी चोटें लगी हुई थी। बाद में इस शव की पहचान उसके परिजनों द्वारा अनिल कुमार जो उसके चचेरे भाई हैं उन्होंने पहचान की और शव की पहचान संजय पुत्र स्वर्गीय जयकरण निवासी बख्तावर पुरवा के रूप में हुई। इसकी अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा हत्या की गई थी। बाद में विवेचना से यह पाया गया कि इसके 3 दोस्त हैं जो कमलेश, आसाराम और राकेश। ये तीनों दोस्त घटना वाले दिन जो एक जगह इकट्ठे हुए थे, इन्होंने शराब पी। जो मृतक था वो दिल्ली में काम करता था और कुछ कमाई करके पैसे लाए हुए थे, तो ये बार बार उससे शराब और ज़्यादा पिलाने के लिए जोर डाल रहे थे, पैसे मांग रहे थे। उसी के लिए बाग में इसको ले गए और पैसा ना देने के नाम पर जो है उससे लड़ाई झगड़ा हुआ। बाद में उत्तेजना में फिर इन्होंने ईंटे से उसका सर जो है वो काफ़ी चोट पहुँचा के और लगभग कुचल सा दिया था। पूछताछ से इन्होंने अपना जुर्म इकबाल किया है और इनको आज गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। चेहरे से मासूम दिखने वाले ये हत्यारे दोस्त लालच और अहम में इतना डूब चुके थे कि संजय को इतनी बेरहमी से मारते वक्त जरा भी नहीं कतराए। इस पूरे वारदात से ये तो साफ है कि इन दिनों भरोसे का आधार और वजूद कम होता चला जा रहा है। वहीं दूसरी ओर पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही हत्यारों को गिरफ्तार कर अपनी कार्य प्रणाली का एक अच्छा उदाहरण दिया है। हरदोई से आशीष सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही, आप बने रहिए नेशन वन के साथ। नमस्कार।